नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इंडियनेस में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए दोस्तों, जानते हैं 15 जुलाई के इतिहास के बारे में। 15 जुलाई 1795 में ला मार्सेलाइज को फ्रांस का राष्ट्रगान घोषित किया गया था। आपको बता दें कि इस गीत को साल 1792 में ही तैयार कर लिया गया था। खास बात तो यह है कि इसे मात्र एक दिन में तैयार किया गया था। साल 1910 में आज ही के दिन अल्जाइमर बीमारी को नाम दिया गया था। आपको बता दें कि इस बीमारी को खोजने वाले एलाइस अल्जाइमर थे। इनके नाम पर ही इस बीमारी का नाम अल्जाइमर रखा गया था। इस बीमारी से पीड़ित मरीजों में धीरे धीरे सब कुछ भूलने की आदत हो जाती है। आज ही के दिन साल 1916 में विलियम बोइंग नाम के एक शख्स ने हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी बोइंग की स्थापना की थी। हालांकि शुरुआती समय में इस कंपनी का नाम पैसिफिक एरियो प्रोडक्ट्स रखा गया था, जिसे 1917 में बदलकर बोइंग किया गया था। 1983 में आज ही के दिन निंटेंडो कंपनी ने अपना गेमिंग कंसोल जापान बाजार में उतारा था। आपको बता दें कि निंटेंडो एक गेम का नाम है जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। हालांकि जापान में ये गेम फेमिकॉम के नाम से मशहूर हुआ था। आज ही के दिन साल 1903 में 60 के दशक की राजनीति के किंग मेकर कहे जाने वाले कामराज का जन्म हुआ था। आपको बता दें कि कामराज तमिलनाडु के तीसरे मुख्यमंत्री और 3 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। इनकी मौत के बाद सरकार ने इन्हें भारत के सबसे बड़े रत्न भारत रत्न से सम्मानित किया था। आज ही के दिन साल 1955 में देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न देने की घोषणा की थी। 1979 में आज ही के दिन भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि इस्तीफे की मुख्य वजह जनता पार्टी में फूट थी। आपको बता दें कि मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे राजनेता थे जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के साथ पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया जा चुका है। आज ही के दिन साल 1996 में ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स और उनकी पत्नी डायना ने तलाक का आवेदन किया था। आपको बता दें कि तलाक लेने के बाद डायना को 1,70,00,000 पाउंड का मुआवजा भी मिला था। 2017 में आज ही के दिन मशहूर गणितज्ञ मरियम मिर्जा खानी का कैंसर की वजह से मात्र 40 साल की उम्र में निधन हो गया था। खास बात यह है कि मरियम पहली ऐसी महिला थी जिसने मैथ्स का नोबेल कहा जाने वाला फील्ड्स मेडल हासिल किया था। तो दोस्तों, आज के इतिहास में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास भी हमारे इतिहास से जुड़े कुछ खास और रोमांचक तथ्यों की जानकारी है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।